हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलो आज एक नया वीडियो में ट्राई करते हैं अपन, न्यू TDM रुइंस मैच में। टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, चलो आपको बताता हूँ। पहला तो ये फीचर आप देख लो, स्पॉन आइलैंड कहाँ पे है। यहाँ पे एक तो ये साइड हो गया कि यहाँ पे आपको गन्स वगैरह मिलेगी, बहुत कंफ्यूजन वाला जगह है ये, पूरा मैप ही कंफ्यूजन है। पहला तो ये आपने ये स्पॉन आइलैंड देख लिया, दूसरा स्पॉन आइलैंड दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो डोर, दिस इज़ द मोस्ट रश एरिया, आप इसको कह सकते हो। बहुत बंदे यहाँ से रश करते हैं, तो यहाँ पे थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल करो। यहाँ पे आया मेरा दूसरा स्पॉन आइलैंड, दूसरी टीम का। सबसे एडवांटेज ये चीज़ है ये वाले इस वाले TDM में कि आपको गन उठाना है तो आपको स्पॉन आइलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एनिमी मरेंगे वैसे ही आपको गन वहाँ पे उसके सारे जो भी गन्स है एमओ के साथ वो ड्रॉप हो जाएगी, तो आप स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे उठा सकते हो। एक ये जगह है जो आप इजी अच्छा कैंपिंग प्लेस कह सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इस साइड से भी देख रहे हो, जहाँ मैं DS खोल के बैठा हूँ वहाँ पे भी इससे आप एम ले सकते हो आराम से। आगे तो कवर है ही, पीछे से भी कोई आ रहा है तो आप उस फुट स्टेप लेके मार सकते हो आप आराम से। तो ये एक कैंपिंग वाले जगह है जो अच्छा कैंप करके लोग किल्स ले सकते हैं। और ये वापस से अपन आए हैं अपने स्पॉन आइलैंड पे। एक और चीज़ है यहाँ पे, आप ये नहीं है कि जे अगर आप स्पॉन आइलैंड पे आप स्पॉन हुए हो तो आपका ये नेसेसरी नहीं है कि आप वही सेम स्पॉन आइलैंड पे आप वापस से स्पॉन हो गए। यहाँ पे पांच छह जगह है स्पॉन मरने के बाद कि आप वापस से स्पॉन हो गए वहाँ पे। वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा, वो ज़रूर देखना वीडियो के एंड तक। और ये एक और है थोड़ा सा कैंप वाला प्लेस, ये तो मर गया मैं क्योंकि मैं एस एफ एक्स ऑफ करके खेल रहा था बाय द वे इधर, इसलिए। और ये थ्रोएबल्स का देखो जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे इस्तेमाल करने की। बहुत से लोग जैसे कि अभी ये स्टन हो गया, बहुत से लोग यहाँ इस एरिया में रश करते हैं। ये जो प्लेस है यहाँ पे भी आप कैंप कर सकते हो, ईजिली टेक डाउन कर सकते हो आराम से। जल्दी स्पॉट नहीं करता कोई, अब दोनों तरफ से बंदे आ गए थे इसलिए मर गया मैं। ये अच्छी प्लेस है एक तरह से आप देखा जाए तो, कि आप आराम से एनिमीज को टेक डाउन कर सकते हो वहाँ से। ये हुक दिया मैंने यहाँ पे, वापस अपन स्पॉन आइलैंड पे आए हैं। और हाँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्टेडियम में आप ऑटो पिकअप बंद रखो। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये है कि आप ऑटो पिकअप बंद करो, बिकॉज़ जब एनिमी को मारोगे और तीन चार एनिमी होगी तो आपका गन्स ऑटो पिक एमओ ऑटो पिकअप हो जाएगा। तो इसके कारण जो सामने वाला एनिमी है वो आपको क्या बोलते हैं ईजिली टेक डाउन करेगा जब तक आप उसके एमओज उठाओगे। ये बंदा मरा क्यों नहीं है यार, व्हाट द फक। चलो कोई ना, ये देखो जैसे अभी मैं उठाने लगा था ऑटो पिकअप में एमओ अपनी, तो अगर यहीं पे एनिमी होता और वो मेरे को मारता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए एक एडवाइस है कि STDM में आप ऑटो पिकअप बंद करो, जब भी आपकी एमओ ख़त्म हुई तभी देखो जैसे अभी उठा है। ये वन ऑफ द टिप्स है STDM के लिए। काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला मैप है ये, क्योंकि बहुत सारे जगह से आप निकल के मार सकते हो एनिमी को, तीन चार जगह है। बाकी इसमें कुछ क्लाइम व्लाइम नहीं कर सकते आप। और ये भी कैसे नहीं मरा यार, कितना डैमेज था, 1 HP। अच्छे, बाकी ये TDM अच्छा है, लॉन्ग रेंज के लिए भी अच्छा, मिड रेंज के लिए अच्छा है ये वाले मैप, बिकॉज आपको अच्छे खासे खेलते हैं डिस्टेंस से मारने को, स्प्रे करने को मौका मिलता है। लास्ट वाले TDM में था कि आप नहीं मार सकते हो उतना क्लोज रेंज में, स्प्रे नहीं दे सकते क्योंकि मुश्किल होता है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं। तो दैट्स वाई ये TDM अच्छा है और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को तो।
आप लोग अपना ओपिनियन देना, कैसा ये TDM लगा आपको, कमेंट सेक्शन में। ये जगह स्पॉन होती है, यहाँ पे आप मर के वापस जिंदा होते हो यहाँ पे भी। तो मैं आपको मैं मैच के एंड में बताऊंगा जरूर कि कौन कौन सी जगह पे स्पॉन होता है। तो मैप, मिनी मैप खोल के देख दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में, वीडियो के एंड में। बस दो किल्स रह गए हैं, जल्दी से ख़त्म करो। देखिए जो मैं मार्क लगाया वहाँ पे स्पॉन होता है, बैक यार्ड में स्पॉन होता है, डोर ब्रिज पे स्पॉन होता है, ये मार दिया मेरे को साले ने। ये पैसेज पे स्पॉन होता है, एरिया बी पे स्पॉन होता है, यहाँ पे स्पॉन होता है। तो ये सब 6-7 जगह है जहाँ पे आप स्पॉन हो सकते हो। आप एनिमी और अपोनेंट जो भी हैं, आप सेम जगह पे भी स्पॉन हो सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में तो यही था, बाकी कुछ नया और होगा तो ज़रूर बताऊंगा आपको नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में। और आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो कि नए अपडेट में आया, जो मेरे को अच्छा लगा। ये जो क्लैन खोलते हैं तो सारे क्लैन की एक्टिविटी आपको लेफ्ट साइड में जो देखने को मिल रही है, कि कितने बंदे ऑनलाइन हैं, क्या आपके कौन कौन से बंदे क्या आप कर रहे हैं आपके, जैसे यहाँ पे देखो दिखा है ENFQ प्रोसेस कंप्लीटेड, जैसे अचीवमेंट सीजनल सोल्जर एंड ऑल, ये सब, ये जो भी टीयर पे पहुँचते जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ करेगा तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको, जो कि मेरे को अच्छा लगा। दैट वाई आई एम इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो। तो और यहाँ पे चैट करने का डायरेक्ट ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ चैट पे अगर क्लिक करोगे तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ तो ज़रूर चेकआउट करना, 9:30 से या 10 o'clock के अराउंड मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ज़रूर देखना। चलो बाय गाइस, टेक केयर।